Hello students. Students, this is the second poem of class 12th NCERT pattern, UP board. Student, the name of this poem is An Elementary School Classroom in a Slum, which is composed by the great poet Stephen Spender, who was born on 1909 and he was dead on 1995. Students, actually the poet Stephen Spender was the essayist, poet, dramatist also. In this poem, Stephen Spender is talking about that school which is in a slum area, and the students of this school and of this classroom are very poor. Okay students, just explain this poem in Hindi explanation. Okay, an elementary school classroom in a slum. तो students, सबसे पहले हम लोग इस poem की जो line है, यानी जो poem का जो ऊपर टाइटल है, पोएम का नाम, उसका मतलब समझते हैं. एन एलिमेंट्री, अब एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री स्कूल उस स्कूल को बोलते हैं जहाँ पर 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं. 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चे. अच्छा, तो ऐसे स्कूल का एक क्लासरूम है जहाँ की बात हुई है. अब ये क्लासरूम कहाँ पर है? इन अ स्लम. अब स्लम क्या होता है? तो बेटा, स्लम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर झोपड़पट्टी होती हैं, झुग्गियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं स्लम एरिया. तो जो ये क्लासरूम है, ये एक स्लम एरिया में है, झोपड़पट्टियों और झुग्गियों के एरिया में है. तो एक्चुअल में है क्या कि जो हमारा पोइट है वो एक दिन इस क्लासरूम में पहुँचता है, वहाँ एक कंडीशन देखता है, और उस कंडीशन को देख कर उस जो जो महसूस करता है और जो जो करना चाहता है वो हमें पॉइंट मेरा बता रहा है. तो आते हैं स्टूडेंट्स, इस पोएम को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि पॉइंट ने क्या क्या बातें बताने की कोशिश की है. लेट्स स्टार्ट. फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रेन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड दियर पॉलर. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा पोइट है वो कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेज, यानी कि दूर दूर से आए हैं लोग, गस्टी वेज से आए हैं. गस्टी वेज ऐसी जगह को बोलते हैं जो अच्छी ना हो देखने में. तो ऐसी जगह से, दूर दूर से ये बच्चे जो हैं, दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे आए हैं, अर्थात बहुत दूर दूर से, अच्छे स्थान जो ना हो वहाँ से ये बच्चे के चेहरे आए हैं. बच्चे के चेहरे आने का मतलब हुआ कि बच्चे आए हैं इस क्लासरूम में. बैठे बच्चे जो हैं काफ़ी दूर दूर से आए हैं. और ये बच्चे कैसे हैं, मतलब जो हमारा पोइट है बच्चों की कंपैरिजन कर रहा है, लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो जिनका कोई मतलब ना हो, जबरदस्ती दुनिया में उग आए हों. जैसे देखा होगा अपने खेतों के किनारे, सड़कों के किनारे या पार्कों में ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो उगाते हैं, जो रूटलेस होते हैं. रूटलेस का मतलब होता है जिसमें जड़ें नहीं हैं. जड़ें मतलब उनको पोषक तत्व तो कहीं से नहीं मिल रहा है, फिर भी उगाए हैं. तो वही ये बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती इस दुनिया में आ गए हैं, ज़बरदस्ती आकर क्लास में बैठ गए हैं. मतलब एक्चुअल में जो राइटर है, सॉरी पोइट है, वो हम लोगों को, समाज को ताने मार रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस बच्चों की, आप लोगों को, इस समाज की, बच्चे ज़बरदस्ती हुए हैं, ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं. तो उनको कोई पोषक तत्व, इनको प्रोटीन, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी इनको बैक से कोई सपोर्ट नहीं है, बस ये आके जी रहे हैं ज़िंदगी अपनी. उसके कह रहा था हेयर टॉर्न राउंड डियर पैलर, और जो इन बच्चों के बाल हैं इनके पूरे सिर में, पैलर मतलब कान के ऊपर का हिस्सा, ये इनके पूरे सिर में इनके बाल बिखरे हुए घूम रहे हैं, मतलब
साजो सज्जा से ये नहीं आए हैं स्कूल। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो सज सवर कर जाते हैं, मतलब मेंटेन होकर ड्रेस पहन के जाते हैं, अच्छे से बाल बाल खींच के जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चे जो हैं ये ऐसे ही आ गए हैं, इनके बाल बाल बिखरे पड़े हैं और इनको देखकर लग रहा है इनको दुनिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब दुनिया को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती बच्चे दूर दूर से इस क्लासरूम में आकर बैठ गए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेस्ट डाउन हेड। अब जो हमारा पोइट है वो कुछ बच्चों के बारे में बातें कर रहा है। कह रहा है एक लंबी लड़की अपने झुके हुए सिर के साथ मेज पर बैठी हुई है। एक लंबी लड़की अपने झुके हुए सिर के साथ एक मेज पर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। और एक लड़का है जो पेपर सीमिंग है। पेपर सीमिंग मतलब हो गया बेटा सीमिंग मतलब प्रतीत होना, पेपर मतलब कागज, मतलब कागज की तरह पतला दिखाई देने वाला एक लड़का है। विद रेड्स आइज, रेड्स आइज मतलब होता है लालची निगाहें, जो लालची निगाहों वाला है वह बैठा हुआ है। पूरा लालची निगाहों का मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर किसी चीज़ को लेकर लालच है, मतलब लालची निगाह मतलब हो गया कि वो तो उसको खाने पीने को कम मिला है, भूखा है वो, और प्लस वो कुछ और भी देख रहा है, कुछ और चीज़ों के लिए वो लालच मन भरे हुए, काश मेरे पास ऐसा होता। अच्छा वो किस चीज़ को देख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ एक लाइन पढ़ने के बाद। तो कह रहा है कि वहाँ पर एक लड़की है जो लंबी है, वो अपने झुके हुए सिर के साथ मेज पर बैठी हुई है, और एक लड़का है जो पेपर की तरह पतला है, लालची निगाहों से सबको देख रहा है। अच्छा स्टैंटेड अनलकी आयर ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नॉर डिसीज। अच्छा इसका मतलब जो बेटा स्टैंटेड का मतलब होता है वह बच्चा जिसकी ग्रोथ रुक गई हो, जिसका मतलब शारीरिक विकास रुक गया हो और वो अनलकी हो, मतलब दुर्भाग्यशाली है। ईयर मतलब होता है वंशज के रूप में उसको मिलना, उसको वंशज होता है मतलब। और ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई उसकी जो बोन्स हैं यानी हड्डियाँ, यानी उस बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ी हुई हैं, इधर उधर मुड़ी हुई हड्डियाँ, सही से उसका विकास नहीं हुआ है, तभी तो लिखा स्टंटेड, तो उसका विकास सही से नहीं हुआ है और उसको ये क्या वंश के रूप में मिला हुआ है, आनुवंशिक रूप में उसको ये मिला हुआ है हड्डियों का तिरछा विरछा होना, यानी उसके दादा परदादा में ऐसा होता था, अब उसमें भी आया है, आनुवंशिक रूप में आया है ये। रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल डिसीज, उसको अपने पिता से मिला है बेटा ये, और कह रहा है वो क्या याद कर रहा है, रिसाइटिंग वो दोहराते हुए याद करते हुए फादर्स नॉल डिसीज, पिता की ये सबसे खराब बीमारी, पिता की ना ठीक होने वाली बीमारी को वो याद कर रहा है। तो आप बेटा समझ में आया उसके मन में लालच क्या है, वो एक्चुअल में दूसरे बच्चों के शरीर को देख रहा है जो कम से कम उससे तो अच्छे हैं, तो उनको देखकर उसके मन में एक लालच आ रहा है, काश मेरा शरीर ऐसा होता, और वो भूखा भी है क्योंकि यहाँ सारे बच्चे गरीब हैं, गरीब क्या बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो आइए देखते हैं, तो कह रहा है कि एक लड़की है जो लंबी है अब झुके हुए सिर के साथ मेज पर बैठी हुई है, एक लड़का जो कागज़ की तरह पतला है और अपनी लालची निगाहों से इधर उधर देख रहा है, ये लड़का ऐसा है जिसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है, इसका शारीरिक विकास न होने के साथ साथ ये बहुत दुर्भाग्यशाली भी है क्योंकि उसको अपने पिता से एक ऐसी ना ठीक होने वाली बीमारी मिली है जो कि हड्डियाँ इधर उधर मुड़ी हुई हैं। अच्छा नेक्स्ट, और कर कह रहा है हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने मेज से अपने पाठों को पढ़ रहा है, लेसन मतलब पाठ, अपनी किताबों को पाठों को अपने मेज पर रखे हुए पढ़ता जा रहा है। बेटा यहाँ पर देखो दो लोगों के बारे में बात हो गई है, एक वो लड़की जो कि लंबी है और एक वो लड़का जो पेपर कागज की तरह पतला है, और इसमें तीसरी बात कह रहा है एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक बच्चा है जो क्लास के पिछले हिस्से में बैठा है, अब बेटा क्लास में क्या बताया गया है एट ब्लैक ऑफ द डिम, यानी जो क्लास है उसमें बहुत अंधेरा है। बेटा वैसे जो हम लोग क्लास जानते हैं, जितना हम लोग का जो देखा है हम लोगों ने अभी तक क्लासरूम्स को, वो कैसा होता है कि वो उसमें लाइट जल रही होती है, प्रकाशमय होती है पूरी कक्षा, काफ़ी मतलब उजीला होता है और सब कुछ हम साफ साफ क्लियरली देख सकते हैं, पंखा वंखा लगा होता है, कूलर है, एसी लगा है, हर जगह मतलब अलग अलग से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनका जो क्लासरूम है वो इतना मतलब निम्न स्तर का है कि उसमें
पंखा वंखे की उम्मीद तो आप ना कीजिए, बल्कि वहाँ लाइट भी सही से नहीं है, काफ़ी अंधेरा है और पीछे के साइड तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो कह रहा है कि क्लास में पीछे जो अंधेरा है वहाँ पर एक वन अननोटेड, यानी कि एक जिस पे एक ऐसा लड़का जिस पे किसी के ध्यान ही नहीं जाता, एक अननोटेड जिस पे किसी के नोटिस नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, स्वीट एंड यंग, बहुत प्यारा और यंग यानी छोटा बच्चा। यंग मीन्स बेटा वैसे युवा होता है जवान, लेकिन ऐसे में हम लोग छोटे बच्चे का प्रयोग करते हैं, यंगर मतलब छोटा होता है। तो एक छोटा बच्चा, प्यारा सा छोटा बच्चा है, पीछे की ओर बैठा है क्लास के पिछले हिस्से में जहाँ अंधेरा है और कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है। हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक स्वप्न देख रही हैं, उसकी आंखें बड़े स्वप्न में देख रही हैं, मतलब स्वप्न किस प्रकार का पूरी बात समझते हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, यानी गिलहरी वाला खेल उसको उसकी आंखें देख रही हैं। इन ट्री रूम, रूम मतलब यहाँ पर बेटा कमरा नहीं होगा, रूम मतलब होती जगह, स्पेस। तो बेटा यहाँ पर पेड़ की जो जगह है यानी उसकी ब्रांचेस शाखाओं की बात हो रही है। अदर देन दिस, इसके अपेक्षा कर, तो कह रहा है कि उस बच्चा जो है वो बच्चा अपनी लाइफ, लिखा हिज आईज लाइव इन अ ड्रीम, एक स्वप्न में उसकी जिंदा आँखें मतलब खुली हुई आँखें एक क्या देख रही हैं, वो गिलहरी का खेल देख रही हैं, मतलब वो गिलहरियों वाला खेल खेलना चाहता है, पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर खेलना चाहता है, ऐसा उसकी आंखें देख रही हैं। देखने का मतलब हुआ खुली आंखों से देखने का मतलब हुआ वो गंभीरता से सोच रहा है कि वो भी ऐसा खेल खेलना चाहता है। अदर देन दिस, इसके अलावा ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है कि हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, थर्ड लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी जो वो बच्चा था ऊपर जिसका बोन्स इधर उधर तिरछी थी, तो वो बच्चा अपने मेज पर रखे हुए किताब को पढ़ रहा है, लेकिन उसकी तो वही बोला गया अदर देन दिस, उसकी अपेक्षा कर, मतलब किताब पढ़ने के बजाय वो क्या करना चाहता है, वो गिलहरी के समान पेड़ों की शाखाओं में खेलना चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लोरी टैरल्स वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। कितनी अच्छी बात कही है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा ऑन शोर क्रीम वॉल्स, मतलब ये जो दीवारें हैं ये जो क्रीम हो गई हैं, मतलब इनका रंग उतर गया है, बहुत पहले कभी पेंट एंट हुआ होगा, अब उन दीवारों में कोई कलर नहीं बचा है, तो उन दीवारों उन कलरलेस दीवारों पे क्या डोनेशंस लगे हुए हैं। डोनेशंस जानते हैं कॉलेजेस को डोनेशंस दिए जाते हैं, तो बेटा ये पैसों का डोनेशन नहीं है, यहाँ पर डोनेशन क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो दीवारों पर लटकी हुई हैं, वो डोनेशन के रूप में मिली हुई हैं इनको, वही बता रहा है। अच्छा क्या क्या मिला हुआ है, शेक्सपियर्स हेड, यानी विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े क्या सबसे बड़े लेखक थे, तो विलियम शेक्सपियर का इनको हेड मिला है, यानी उनकी फ़ोटो तस्वीर मिली हुई है जो लटकी हुई है दीवार पर। अच्छा अब उसने क्या बताया है, तो ध्यान समझिएगा, विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो के कंपैरिजन किसी और चीज़ों से किया गया है, उसको पढ़ते हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मतलब हो गया बादलों से बादल ना हो, डॉन मतलब होता है प्रातःकाल सुबह के समय, तो सुबह के समय जब बादल ना हो ऐसी सुबह, सिविलाइज डॉम, डॉम सिविलाइज मतलब होता है सभ्य, मतलब समझदार सही सच्चा अच्छा, और डॉम मतलब डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, डॉम उस समय को बोलेंगे जैसे कि जब एक सूर्य होता है सुबह सुबह निकलता है तो पूरा रूप अपना पूरा आकार नहीं ले पाता है, उस समय को डॉम बोलते हैं। डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों को पे प्रकाश देने के लिए निकल रहा हुआ सभ्य सूर्य, मतलब साफ और स्वच्छ सूर्य। बेल्ड फ्लोरी लिखा है टैरल्स वैली, टैरल्स वैली बेटा दुनिया की एक ऐसी घाटी है, वैली मतलब घाटी होता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत घाटी है, जो फूलों से भरी हुई है, बेल्ड है चारों तरफ ग्रीनरी है, बेल्ड चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ फूल है, तो कह रहा है टैरल्स वैली बेल्ड फ्लोरी, चारों तरफ फूल हैं और चारों तरफ ग्रीनरी है,
हर तरफ मतलब अच्छा है, प्राकृतिक नज़ारा है, और इन्हीं के बीच में एक ऐसा सूर्य जो कि पूर्ण रूप से निकला नहीं है, और सिटीज मतलब हो गया शहरों को प्रकाश देने के लिए, पूर्ण रूप से निकला भी नहीं है, क्लाउडलेस एट डॉन सुबह के समय। तो एक्चुअल में इन सब चीज़ों को क्यों बताया गया है बेटा, तो ये समझो जो शेक्सपियर का जो हेड है, शेक्सपियर की जो फोटो है, तस्वीर है, वो शेक्सपियर की तस्वीर आपने देखी होगी कि वो आगे से, कभी आप नोटिस करना शेक्सपियर की तस्वीर में उनके आगे सिर के आगे बाल नहीं है, और आगे उनका गंजापन दिखाई देता है, और पीछे साइड उनके बाल हैं। तो जो पीछे बाल है उसको ग्रीनरी कहा गया है, उसको वैली घाटी कहा गया है, और मतलब बालों से भरी हुई यानी फूलों से जो हरियाली होती है उससे भरी हुई गए, और आगे के जो हिस्से को कहा गया है वो क्या कहा गया है कि वो एक ऐसा सूर्य जो पूर्ण रूप से निकला नहीं है। पूर्ण रूप से निकला नहीं मतलब क्या हुआ कि आधी उनकी आधा गंजापन दिखाई पड़ रहा, और आधा गंजापन उसको हम लोग चांद बोल देते हैं, आधी चांद दिखाई पड़ रही है, आधी चांद नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वही उनका उस तरह का बताया गया है कि उस शेक्सपियर की जो हेड है सीन है उससे तुलना की गई है इन चीज़ों की। उसका कहना है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। बेटा ओपन हैंडेड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि हाथ से देना, मतलब किसी हाथ से देना क्या, मतलब किसी को कोई चीज़ ओपन हैंडेड मतलब खुले रूप से देना, छिपा कर नहीं देना है, खुले रूप से सबके सामने वो कोई चीज़ किसी को देना, अच्छा वो भी अवार्ड के रूप में। तो ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। अब बेटा यहाँ पे देखो दो तरह के संसार हैं, एक वो संसार जो दुनिया जीती है, बाहर जीती है दुनिया जो हम लोग जीते हैं, एक वो संसार जो बच्चे जी रहे हैं जिनको ये सब पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी अपडेटेड हो चुकी है, लोग कहाँ पहुँच चुके हैं उन्हें सब नहीं पता है, वो अपने उस छोटे से ही स्लम एरिया में ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उन्हें दुनिया की सच्चाई का हल्का से भी अंदाज़ा नहीं है। तो अब उसमें जो दीवार में जो एक और डोनेशन है लटकी हुई है, उस डोनेशन क्या है कि उसमें एक तस्वीर है, इसमें जो हमारा संसार है वो उस संसार को, वो उन बच्चों को क्या कर रहा है, एक अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, वो संसार दे रहा है, संसार खुद को उन बच्चों को दे रहा है, मतलब ऐसी तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक संसार मतलब हमारा संसार उन बच्चों को अपने आप को दे रहा है, मतलब ऐसी तस्वीर जहाँ जो तस्वीर समझाना चाहती है कि बच्चों संसार इस तरह का हो चुका है। तो ऐसी एक ऐसा एक संसार, बड़ा गंभीरता समझो, रफली समझोगे तो आपको ये पोएम पल्ले नहीं पड़ेगी, इसको गंभीरता समझो, एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक संसार यानी हमारा संसार अपने आप को ही उन बच्चों को दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ बना होगा उसमें, एक संसार बना होगा जिनके हाथ निकले होंगे, एक कह सकते हो कि एक ग्लोब बना होगा, ग्लोब में उसके हाथ निकले होंगे और वो इन बच्चों की शायद तस्वीरें होंगी जो भी होगा, और वो ग्लोब अपने आप को ही उन बच्चों को दे रहा है, ऐसा कुछ मतलब बताना चाहता है संसार कि हम संसार ऐसा हो चुका है और तुम बच्चों इस संसार को अपनाओ, इस संसार को लो, ऐसी एक तस्वीर बनी होगी। एंड येट और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये बच्चे जो हैं इन बच्चों के लिए ये मैप कुछ भी नहीं है, मतलब उनके लिए जो ये नक्शा है, ये जो बाहर का नक्शा है, दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर स्पेंटेड विद फॉल, मतलब इन बच्चों का जो संसार है उसका हमारे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, उन बच्चों का जो संसार है दीज विंडोज इनकी खिड़कियों के बाहर दिखाई पड़ रहा है, इनकी खिड़कियों के बाहर इन बच्चों का संसार दिखाई पड़ रहा है, मतलब वही स्लम एरिया, और तो उनको बच्चों को यही सब दिखाई पड़ रहा है और यही उनका फ्यूचर है, दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स फेंटेड, ये जो खिड़की के बाहर दिखाई पड़ रहा है जहाँ उनके भविष्य को फॉग यानी कोहरे से रंगा गया है, मतलब उनका भविष्य कैसा है, धुंधला है, उनका भविष्य धुंधला है, सही से उनका भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जो पोइट ने बताया है उसने ये बताया है कि इन बच्चों का जो संसार है वो कैसा है, एक फॉग से रंगा गया है, कोहरे से रंगा गया है, अर्थात धुंधला है, इन बच्चों का जो भविष्य है वो दिखाई ही नहीं पड़ता है, ये खिड़कियों के बाहर तो देख रहे हैं बस इनकी सोच यहीं तक है, इनका भविष्य यहीं तक है, खिड़कियों के बाहर क्या देख रहे हैं आइए समझते हैं आगे। कहता है दो लाइनें हैं से बेटा भी, कहता
A narrow street sealed in with a lead sky. Lead मतलब अंधकार से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ sky यानी कि बादल. एक narrow street, एक सकरी सड़क sealed जो गई हुई है, वो भी in with a lead sky. कहाँ तक गई है? अंधकार से भरे हुए आसमान तक गई है. यानी एक सकरी जो गली है तो वो अंधकार से भरे हुए आसमान तक गई है. तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब जो पॉइंट हमारा कहना चाहता है कि जो ये एक खिड़की के बाहर है तो सकरी सी गली दिखाई पड़ रही है. सकरी सी गली दिखाई देने का मतलब हुआ कि इनका जो रास्ता है, इनका जो पाथ है, रास्ता है, बहुत सकरा है. मतलब इनको ज़्यादा कुछ चलने की वो नहीं कि खुले रूप से घूम सके, बहुत सकरी सोच है इनकी. और जो इनका लीड स्काई यानी कि जो अंधकार से भरा हुआ इनका संसार, इनका भविष्य जो है वो अंधकार से भरा हुआ है. यानी इनके इनका भविष्य कुछ है ही नहीं. ये देखते हैं खिड़की के बाहर तो सड़कें बहुत पतली सी हैं, आसमान जो है वो धुंधला है, अंधकार से भरा हुआ है. तो वहाँ आसपास का जो माहौल है खिड़की के बाहर का, उन हर एक चीज़ की तुलना हमारा जो पॉइंट है उनके भविष्य से कर रहा है. उनका भविष्य बहुत गंदा है, उन्हें खिड़कियों के बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सकरी से गलियां दिखाई पड़ रही हैं. इनका जो भविष्य है बहुत सकरा है और जो उनका जो भविष्य सकरा है पर अंधकार में है. आकाश क्या होता है? ऊँचाइयाँ. मतलब उनका जो भविष्य की ऊँचाइयाँ हैं वो अंधकार में है. फॉर फॉर फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्ट ऑफ वर्ड्स. तो कह रहा हूँ बहुत दूर हैं, नदियों से बहुत दूर हैं. मतलब नदियों को नहीं जानते. कैप्स आप समझ सकते होंगे वो क्या क्या है. वो कैप्स को नहीं जानते. कैप्स उस जगह को बोलते हैं बेटा जहाँ नदी, जहाँ पे एक किसी शहर के पास से, किसी गांव के पास से एक नदी का किनारा निकला हो, नदी का किनारा निकला हो, एक नदी होकर गुजरी हो. तो नदियों को नहीं जानते, वो कैप्स को नहीं जानते. स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वह शब्दों के संसार. स्टार्स मतलब होता है आप जानते हो सितारे तारे, लेकिन यहाँ संसार बोलेंगे. वो शब्दों के संसार को नहीं जानते. मतलब कहने का वो कोई बड़े शब्द या छोटे शब्दों को नहीं जानते. मतलब कोई अच्छे शब्द बोल दो तो उनको उसका मतलब ही नहीं पता है. मतलब उनको इसका कोई उनको अर्थ नहीं है, ना उनको उसका मतलब पता है. कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऐसे शब्द जो हम लोग बोल देते बड़े आसानी से समझ जाते हैं, उनको उसका अर्थ नहीं पता, उनकी सोच ही नहीं पहुंचती वहां तक. तो ऐसा कुछ कवि ने कहा है कि वो नदियों से दूर हैं, वो कैप से दूर हैं, वो शब्दों की जान पहचान से बहुत दूर हैं. तो बच्चे बहुत ही गंदी दिशा में जी रहे हैं उस स्लम एरिया में. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट में आगे देखते हैं. और जिसको ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, जिसको ना आया हो तो जस्ट बस वही बात, आप डाउट सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे डाउट्स रखें और उनको हम क्लियर करेंगे. ओके.